असर नहीं कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी पंडित जी आएंगे फार्म रीडिंग के लिए, फार्म रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। स्कॉटेड आरती रहती है 4:45 और 30 पड़ी। अगर ग्रैंड आरती आप देखना पसंद करते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और जो घाट पे हमारे प्राइवेट घाट है अगर वहाँ पे अगर आप आरती करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आरती आप कर सकते हैं। भजन संध्या रहेगा लाइव म्यूजिक 7:45 to 8:45 से वैसे ही शुरू होता है क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है इस वजह से। तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आके आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हमारा बुफे रहता है और बुफे जो है मतलब उसके चार्जेस हमारे कुछ अलग से। लंच अगर आप लेना चाहते हैं तो अलग आगे रहेगा, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी एरिया लंच के लिए यही एरिया रहेगा। हाँ जी, लंच के लिए यही रहेगा। ऊपर private car. Yes. Slowly baby, slowly. जो हमारे उत्तराखंड के स्पेशल दाल है उसको गाछ की दाल बोलते हैं। अच्छा।
रात की जो मतलब ऑल अदर इंडिया में अदर कॉर्नर में अदर स्टेट पालक को उसको जो सरसों होता है उसको अच्छे से उसको एक प्रोसेस जो होता है उसको हम कुकुड़ करते हैं ब्रांचेस करते हैं उसके बाद और ब्रांच करने के बाद उसको गालने के तरकीब में देते हैं हल्का उसमें कर्ड मंगा डालते हैं सेकेंड थिंग तीसरा बार आलू के गुटके होंगे फिर हमारा उसका एक कुमाऊनी रायता है तो जो जो स्पेशली तड़के के साथ प्रिपेयर किया था जो हाथ का येलो का टेक्सचर में आता है वैसे इस तरीके की चीजें हेल्थी और रागी की रोटी जैसे बाजरा हो गया इस तरीके का जमूरा हो गया इसकी रोटी को देवभूमि की दाल बोलते हैं ये आलू के गुटके हैं इसमें हमने एक जखिया का लड़का होता है वो लगाया है ये इज्जत की बड़ी की सब्जी है और ये कापली होती है जो पालक से बनाई जाती है वो है और ये होम मेड जो अपना पनीर का बनाया और ये कुमाऊनी रायता जो उत्तराखंड में बनाया जाता है और ये बजरी रोटी और ये सॉल्ट है ये आपका कोरिएंडर हो गया ऑनियन हो गया उसका सॉल्ट है और ये हमारा मस्टर्ड एंड कुमिन का सॉल्ट और ये घी है और ये हमारे जो मिंट सॉस है बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और हम लोग को बहुत हम लोग एवरी बाइट भी अभी